नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए हमें एक लाइक करें, हमारे चैनल को दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपसे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बनाइए सर, आपने करते क्या देखा मुझे बताएंगे। यहाँ किस लिए आए हो? मैच खेलने आया हूँ यहाँ पे। यहाँ सामने छोटे बच्चे मैच खेलते हैं, इनके साथ मैच खेलने आया हूँ। ये लोग सब लोग जानते हैं मुझे, ये लड़के खड़े हैं, बताइए इनसे पूछ लीजिए। आपने इससे पहले क्या करते देखा मुझे यहाँ पे? नहीं आप बताइए ना, आप तू तड़ाक करते जा रहे इतनी देर से, बता रहे मेरी ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं आप 2 मिनट बता दीजिएगा ना। आप ना सर, मैं सिगरेट पीता हूँ ना, गांजा पीता हूँ ना, स्वीटी तक तो मैं खाता नहीं। मैं बता तो रहा हूँ मैच खेलने आया हूँ, इन लड़कों के साथ मैं मैच खेलता हूँ। दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पुलिस कर्मी जो है एक लड़के का वीडियो बना रहे हैं और वो लड़के से पूछ रहे हैं कि भैया आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। अब लड़का कह रहा है, लिखती है ये वीडियो लखनऊ का बताया जा रहा है। इसमें जो श्रीमान नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो राजेंद्र नगर चौकी के इंचार्ज है। जरा इनकी दबंगई देखिए, एक युवक को परेशान कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसे मारने भी लग रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग होता देख मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। बाबा के पुलिस वाले अपराधियों को देखकर तो उनकी सेवा में जुट जाते हैं, मगर बात अगर किसी शरीफ को परेशान करने की हो तो बस इनका रुआब पूछो ही मत। आपने यहाँ क्या करते देखा मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल बनाइए वीडियो सर। हाँ बिल्कुल बनाइए सर। आपने करते क्या देखा मुझे बताएंगे। यहाँ किस लिए आए हो? मैच खेलने आया हूँ यहाँ पे। यहाँ सामने छोटे बच्चे मैच खेलते हैं, इनके साथ मैच खेलने आया हूँ। ये लोग सब लोग जानते हैं मुझे, ये लड़के खड़े हैं, बताइए इनसे पूछ लीजिए। आपने इससे पहले क्या करते देखा मुझे यहाँ पे? नहीं आप बताइए ना, आप तू तड़ाक करते जा रहे इतनी देर से, बता रहे मेरी ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं आप 2 मिनट बता दीजिएगा ना। आप ना सर, मैं सिगरेट पीता हूँ ना, गांजा पीता हूँ ना, स्वीटी तक तो मैं खाता नहीं। मैं बता तो रहा हूँ मैच खेलने आया हूँ, इन लड़कों के साथ मैं मैच खेलता हूँ। ये सामने लड़के खड़े हैं, इनसे आप पूछिए। ये सामने अंदर मैच हो रहा है, आप देखिए, आइए वीडियो में दिखाता हूँ मैं मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। ये देखिए लौंडे बल्ला लेकर के खड़े हैं। सोहन लाल स्कूल है सर ये? खोला तुमने? हम लोग ने नहीं खोला, हम लोग का घर है। किसकी वजह से स्कूल खुला? स्कूल खुला, खुला है। ताला कहाँ खुला? कहाँ खुला? ताला नहीं खुला है। तो बाउंड्री कूद के जाओगे स्कूल में? हम लोग रोज खेलते सर घर है। स्कूल में बाउंड्री कूद के जाओगे? अरे मैच खेलते घर है। नहीं मैच खेलो तो स्टेडियम में जा खेलो, कि स्कूल में खेलो बाउंड्री ताला खोल के। सर चाबी क्यों निकाल रहे? चाबी? अरे मैं बोल तो रहा हूँ इतनी देर से मैच खेल रहा हूँ, आप चाबी? वीडियो वीडियो बनेगा सर, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं ये आप गलत कर रहे हैं सर, वीडियो बनेगा, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं सर, ये आप गलत कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सर, क्यों हाथ ये छोड़िए, आप कर क्यों रहे ये तो बताइए मुझे। भैया देखो तो आप लोग, कम से कम बोलो तो, इन्होंने क्या करते देखा मुझे यहाँ? यहाँ क्यों वीडियो? अरे सर ये आप करते, आपने करते सर क्या देखा? ये आप क्यों कर रहे हैं? किस लिए हुई? मैं मैच खेल रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ। मैच खेल के आप पहले आंटी बताइए, आप बताइए, देखिए क्या कर रहे हैं, इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं सर आप, इस तरीके से क्या कर रहे हैं सर आप, ये क्यों कर रहे हैं सर? अरे सर आप कर क्यों रहे हैं सर, ये तो बताइए। दिनांक 4/6/2023 को सोहन लाल बॉयज इंटर कॉलेज के पास जुआ खेलने की सूचना पर चौकी प्रभारी राजेंद्र नगर मौके पर गए थे। तब तक सभी लोग भाग गए थे एवं मौके पर मिले एक संदिग्ध युवक से पूछताछ करने पर युवक और आसपास के कुछ लोगों द्वारा पुलिसकर्मी के साथ बहस शुरू कर दी गई। चौकी प्रभारी व सिपाही जब तक थाने की फोर्स बुलाते सभी वहां से जा चुके थे। संपूर्ण प्रकरण की जाँच ACP केसर बाग द्वारा की गई है। किसी भी प्रकार का अभद्र एवं अनुचित व्यवहार पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। हालांकि मोबाइल छीनने की कोशिश जो है वो वीडियो में देखी जा सकती है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहना है कि भैया यहां पर जो है शिकायत मिली थी, शिकायत के बाद जब पुलिस पहुंची तो एक संदिग्ध युवक के अलावा कोई वहां मिला नहीं। लेकिन जैसे ही संदिग्ध युवक से बातचीत शुरू हुई तो वहां बहस शुरू हो गई, आसपास के लोग भी बहस। बताएं आप विंध्याचल दर्शन के लिए आए थे? भैया हम दर्शन करने आए, हमने तीनों देवियों के दर्शन किए, माँ विंध्यवासिनी दर्शन किए, राज मिश्रा चूक पहले से हमारे परिचित थे, हम एक दो बार दर्शन करने आए तो मिले थे। इन्होंने हमसे कहा कि भैया कुछ पूजा करनी है आपकी वाइफ की, तो मैंने कर दो भैया, तो इन्होंने पूजा कराई। बोले हल्ला हो रहा है तो कमरे में बैठा लो, मैंने बैठा लो। 2 मिनट में वाइफ की पूजा उन्होंने चूक किया हुआ छोड़ दी। फिर बोले पुत्र वधू करा दूं, तो मैंने नहीं करा दो, तो इन्होंने कुंदी बंद कर ली, तो मैंने कुंदी क्यों बंद की? इतनी देर में उन्होंने इसके जो है जो जगह नहीं छूनी चाहिए वहां हाथ डाल दिया, बहू रोने लगी।
अब वो माफी मांगने लगे, हमसे गलती होगी। मैंने गलती नहीं होगी भैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, योगी का राज है, महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, सरकार आप चल रही है, और ऐसा थोड़ी होगा। माफ कर दो, माफ नहीं करूंगा भैया, मेरी बहुत साथ है, बताइए इससे वो क्या होगी दुष्टता। दर्शन करने आए श्रद्धालु के परिजन के साथ गेस्ट हाउस मालिक पर छेड़खानी करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत मंदिर दर्शन करने आए एक श्रद्धालु के द्वारा अपने परिजन के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया, जिसमें गेस्ट हाउस जो मालिक है राज पंडा, उसके खिलाफ छेड़खानी की तहरीर दी गई, जिस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए